पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत कोतवाली नगर पुलिस ने 3 छात्र चोरों को गिरफ्तार किया है। वहीं उनका एक साथी मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। प्रेस वार्ता के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पूर्व में मरहरा गेट निवासी राकेश के घर पर नकदी तथा आभूषण चोरी हो गए थे, जिसकी रिपोर्ट पीड़ित द्वारा कोतवाली नगर में दर्ज कराई गई थी। वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुखबिर की स्टीक सूचना के आधार पर 3 चोर सैफ अली मोंटी विवेक को इटा बस स्टैंड से गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से चोरी के आभूषण बरामद किए गए हैं। पकड़े गए अभियुक्तों ने पूर्व में की चोरी की घटनाओं को स्वीकारा है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस टीम को 15,000 रुपए से पुरस्कृत किया गया है। आप देख सकते हैं प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल से मनोहर लाल जी की रिपोर्ट इटा से। गिरफ्तारी जिसमें से चोरी ज्वेलरी लगभग आधा किलो बरामद हो गई है, 53,000 रुपए अभी एक फरार है। अभी इनका पूछ में बताया गया कि उसके पास उसकी गिरफ्तारी बहुत जल्दी करके उसका बरामद किया। इस समय में जल्दी जाबित से टीम को 15,000 रुपए का पुरस्कार। नकब जनी का मामला है, जिन मकानों को ये देखते हैं खाली देखते हैं उसमें घुस के ताला तोड़ के घुस जाते हैं। अच्छा, आपराधिक मामले भी दर्ज हैं इन लोगों पर? इनका आपराधिक इतिहास भी है और इस पर एक्शन कार्रवाई की जा रही है।